हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से एक पिक्चर। तुम सोचोगे फिर से एक सवाल पूछा जा रहा है। ध्यान से इस पिक को देखना, पोज करके। उसमें आप देख रहे हैं थोड़े पुराने टाइम की पिक है, जब मॉनिटर्स यूज हुआ करते थे खासकर। तो एंडोस्कोपी का जो ऑपरेशन होता है, आप सबको पता है या देखा होगा ट्यूब में, यूट्यूब में। तो उसमें जब वो प्रोजेक्ट करता है डॉक्टर कुछ इस तरह से, क्योंकि देखना पड़ता है कि क्या क्या हो रहा है अंदर या कहाँ इन्फेक्शंस हैं। तो इस प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पहले केसेस भी आते थे ऐसे, आजकल तो काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है। तो आपने मुझे रीज़न बताना है कि ऐसा क्यों होता है, किस वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, जबकि वो पूरे क्लीन अप करते हैं उसके बावजूद कैसे होता है, ये आपने बताना है। इसका जवाब मैं एंड में दूंगा, तब तक आप सोचते रहना। एनीवे, आज हमारा जो टॉपिक है वो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आज हम इस टॉपिक में न्यूमेरिकल्स भी कवर करेंगे, नीट लेवल के न्यूमेरिकल, जेई मेन लेवल के न्यूमेरिकल, इवन कुछ आईआईटी के न्यूमेरिकल्स भी हैं। किस तरह से न्यूमेरिकल्स आते हैं, कैसे उनको करना है, दैट वी विल डिस्कस। लेकिन उससे पहले एक आर्टिकल है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। देखिए, हमने वेक्टर फॉर्म में पढ़ा था कूलम्स लॉ, इसे पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था, इसका लिंक नीचे भी दिया हुआ है। आप नहीं पढ़ा है तो उसमें फिर से पढ़ेंगे कि मान लेते हैं दो चार्जेस हैं Q1 Q2 लाइक दिस। ये इसके ऊपर फोर्स लगाता है, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन लाइक दिस, और ये इसके ऊपर फोर्स लगाता है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, राइट। वेक्टर फॉर्म में मैंने लिखा है, तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। तो ये हो रहा है, ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, रिपल्शन है। तो अब आपने बताना है क्या होगा अगर मान लो इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है, एक तीसरा चार्ज आ जाता है, थर्ड चार्ज, तो क्या होगा, इसकी वजह से भी फोर्स लगेगी। वो कुछ इस तरह से लगेगी, फोर्स ऑन वन ड्यू टू थ्री लाइक दिस, इसी तरह से फोर्थ वन फिफ्थ वन। तो बेसिकली पहला सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं तुमको, इन दोनों के बीच में मान लेते हैं कुछ फोर्स है, राइट, कुछ अट्रैक्शन है या रिपल्शन है, प्यार है या दुश्मनी है, ठीक है। तो तीसरे के आने से क्या ये प्यार या दुश्मनी कम होगी या ज्यादा होगी, तो ऐसा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इट डज नॉट डिपेंड अपॉन थर्ड, इसकी अपनी इंडिविजुअल फोर्स लग रही है, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, एक्चुअल लाइफ में नहीं होता भाई ऐसा। लेकिन यहां पर इन दोनों के ऊपर जो फोर्स लग रही है, तीसरे के आने से ये फोर्स लग रही है, तो नेट फोर्स पर तो फर्क पड़ेगा, लेकिन ये इसके ऊपर जो फोर्स लगा रही है वो उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, वो उतना ही फोर्स लगाएगा, लेकिन नेट फोर्स पर फर्क पड़ेगा जो हम कैलकुलेट करेंगे। समझ आ गया? नाउ अब जरा देखो, तीसरा फोर्स लगा रहा है, तो याद करो मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा था फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू लाइक दिस। इसको हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा था, कैसे लिखा था, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर टू वन वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर टू वन कैप, कुछ इस तरह से लिखा था, और इसका होल स्क्वायर, राइट। देन हमने लिखा था के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर टू वन का मैग्नीट्यूड का क्यूब आर टू वन वेक्टर लाइक दिस। इसको वेक्टर में कन्वर्ट किया था क्यूब की फॉर्म में लाके, ठीक है, हम इस फॉर्म को यूज करेंगे। अब मैंने बोला था ये बुक्स में कब किसी में कुछ लिखा होता है, किसी में कुछ लिखा होता है, अगर किसी में अभी ये 2-1 लिखा है, अब ये देखना है कि अगर मान लो यहां देखो मैंने इसमें चेंज कराया था, ये किसके हिसाब से था, ये यहां से 2 से 1 तक, तो मैं इसको लिखूंगा R21 लाइक दिस, 2 से 1 तक R21 कैप। मैंने इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिया था, ठीक है, इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिया था, बट अब क्या था, एनसीईआरटी में कुछ था और मैंने तुम्हें यह बताया था, तो इसका मैंने एक सिंपल तरीका बताया था तुम्हें, मैं फिर से लिख रहा हूं, यह हटा देते हैं, इसको फिर से रीफॉर्म करता हूं मैं,
कैसे के क्यू वन क्यू टू, देखो आर टू वन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट है ना, आर टू वन यहां से यहां तक, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, राइट फाइनल। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा आर तो हम लिखेंगे R21 वेक्टर को R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर लाइक दिस अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब लाइक दिस। इसको हटा देता हूं मैं। अब अगर तुम इसको देखो F12 वेक्टर KQ1 QQ2 R1 माइनस R2, अब थोड़ा सा सिमिलर लग रहा है, देख रहे हो 1 2 1 2, तो तुम इस फॉर्म में लिख दो वेक्टर फॉर्म को तब भी चलेगा, जरूरी है 1 2 कैप या 2 1 के चक्कर में पढ़ना है, ऐसे लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये तो एक की वजह से है, अब कुछ सोचो पैटर्न बिल्कुल सिमिलर है 1 2 1 2 1 2, किस पे फोर्स लग रही है, इस पर फोर्स लग रही है राइट। अब मैं इसको लिखूंगा 3 की वजह से क्या होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, क्या लिखेंगे देखो Q1, Q1 पे निकालना हमें Q3 देन R1 माइनस R3 वेक्टर डिवाइडेड बाय R1 माइनस R3 वेक्टर का क्यूब, बोलो ठीक है। इसी तरह से अगर nth चार्ज होगा, अब ये नहीं कि तीसरा चौथा पांचवा बस लगे हुए हो, सीधे लिख देना nth, तो डैश 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 करके लिख सकते हो फोर्स ऑन वन ड्यू टू nth चार्ज। nth चार्ज की वजह से क्या होगा, तो nth चार्ज की वजह से क्या होगा k q1 qn अपॉन R1 माइनस Rn वेक्टर का होल क्यूब R1 वेक्टर माइनस Rn वेक्टर, ऐसे लिख दिया मैंने ये फोर्स ऑन दिस। ये जो नेट फोर्स है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फोर्स ऑन वन, दिस इज नेट फोर्स, ये नेट फोर्स है ठीक है, ये नेट फोर्स इसके ऊपर जो लगेगी सभी चार्जेस की वजह से, सो दैट विल बी इक्वल टू इसका 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 जितनी फोर्सेस है इन सबका वेक्टर सम, यानी फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू प्लस फोर्स ऑन वन ड्यू टू थ्री अप टू फोर्स ऑन वन ड्यू टू एन, तो यू कैन राइट लाइक दिस। यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है कि फोर्स ऑन ए चार्ज इज इक्वल टू, नेट फोर्स ऑन ए चार्ज इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ द फोर्स ड्यू टू ऑल चार्जेस, करेक्ट, एंड it is independent, the force between any two charge is independent of the force due to other charges, right? तो अब कई बार क्या होता है, student को बड़ी problem आती है summation form में लिखना, क्योंकि यहाँ maths आ गया, खासकर medical वाले सर, हम तो physics पढ़ते हैं, लेकिन ये math कहाँ से आ गया बीच में, तो उस case में अब क्या होगा, अब मैं इसको summation form में लिख रहा हूँ, जरूरी नहीं है तुम यहाँ भी छोड़ सकते हो उसको और ये values डाल भी सकते हैं, बट यहां पर ऐसे लिख दोगे तो चलेगा क्योंकि 2 marks का क्वेश्चन आता है नॉर्मली बोर्ड में आता है। तो अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, देखो समेशन में कैसे फॉर्म में लिखेंगे, F1 तुम कुछ देख रहे हो यहां पर कॉमन क्या है सभी में, Q1 Q1 Q1, तो Q1 को मैंने कॉमन निकाल लिया बाहर, मैं इसको हटा देता हूं। देखो क्या होगा, के क्यू वन अपॉन, अब देखो चेंजेस कहां कहां आ रहे हैं, इसमें चेंज आ रहे हैं, तो मैं इस पर ऐसे लिख रहा हूं समेशन आई इज इक्वल टू 2 से लेकर एन क्यू आई एन आर वन माइनस आर आई वेक्टर डिवाइडेड बाय आर वन माइनस आर आई का मैग्नीट्यूड का होल क्यूब, कुछ बचा तो नहीं। अब इस फॉर्मूले को देखो जरा ध्यान से, इसमें सारे कवर हो गए, समेशन का मतलब इन सब का सम राइट, क्योंकि मेडिकल वाले तो घबरा जाते हैं, सॉरी ये तो बड़ा मुश्किल है, ये क्या दिख लिख दिया आपने अजीब सा साइन, ये आई का मतलब वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, बार बार चेंज करो, जैसे आई को मैं 2 डालूंगा तो ये क्या बन गया क्यू टू, यहां डाला आर वन माइनस आर टू, आर वन माइनस आर टू ये भी आई है बन गया ना ये वाला, फिर 3 डालेंगे तो यहां 3 डाल दो, n इज इक्वल आई टू टू, n का मतलब क्या हुआ पहले 2 डालो फिर 3 डालो तो ये बन जाएगा, सो दिस इज योर फॉर्मूला। तो आप इसको देख सकते हो एक बार ध्यान से, ऐसे तो आप पॉज भी कर सकते हो पर मुझे पानी पीना था इसलिए मैंने बोला तुम्हें,
ओके, सो दिस वाज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे. स्टूडेंट्स, आप लोगों को इससे फर्स्ट जो लेक्चर था जो मैंने स्पेशली वेक्टर्स में बनाया था, आप देख लेना. मैं लिंक भी डाल दूंगा नीचे, नहीं तो अदरवाइज आप सब्सक्राइब करते हो तो अपने आप आ जाते हैं लेक्चर्स. उसमें वेक्टर्स रूप दोबारा से पढ़ना, क्योंकि यहां मैं डायरेक्टली कॉन्सेप्ट्स यूज करूंगा. ठीक है, तो सबसे पहले हमें निकालनी है, दो चार्जेस पे फोर्स हमने करा था डिस्कस. अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये चार्ज है तीन. इक्विलेटरल ट्रायंगल सबको पता है, एंगल 60 डिग्री, डिस्टेंस आर आर आर. फोर्स को मैं लिख रहा हूं के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, मतलब दो के बीच में जो फोर्स है के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. तो मतलब आंसर एफ की टर्म्स में देना, तुम मुझे आंसर मुझे एफ की टर्म्स में देना है. तुम्हें क्या बताना है, इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू क्या है, ये बताना है. इस फोर्स के ऊपर, सॉरी इस चार्ज के ऊपर फोर्स की नेट वैल्यू क्या है. पॉज, वीडियो को पॉज करो और आंसर निकालो. ठीक है, नाउ पॉज हटा दिया है तो देखो, इसके ऊपर फोर्स ये इधर लगाएगा फोर्स एफ, ये इसके ऊपर फोर्स नीचे लगाएगा फोर्स एफ. व्हाट इज द एंगल बिटवीन द फोर्स, 60 डिग्री. वेक्टर्स वाले में मैंने फर्स्ट वीडियो में क्या बताया था, एफ एफ एंगल 60 डिग्री. तो क्या रिजल्ट आएगा, रूट थ्री एफ. सो योर नेट फोर्स का क्या आंसर आया, रूट थ्री एफ. एफ की वैल्यू ये है, हो गया सॉल्व. एक और बात, इसका जो रिजल्टेंट होगा एग्जैक्टली बीच में होगा एंगल 30 डिग्री पर, क्योंकि दोनों फोर्सेस इक्वल है, राइट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एक इस तरह से क्यू क्यू आर आर आर, फिर से मेरा क्वेश्चन सेम है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन दिस, किसी एक चार्ज पर फोर्स क्या है. भाई इधर नहीं देखो, उधर देखो, इस पर नेट फोर्स क्या है. फिर से सेम क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन दिस टू ऑल चार्जेस. फिर से पॉज करो, वैसे मुझे पता है, पॉज कर लो एंड देन आई विल टेल यू द आंसर. ओके, नाउ आपने सॉल्व किया होगा, वैसे ज्यादातर स्टूडेंट्स ने आंसर रूट टू एफ निकाल दिया होगा, जो कि गलत है. सबने सोचा है तो बड़ा आसान है, सर ने बताया था ये फोर्स एफ है ना, ये भी फोर्स रिपल्शन एफ और ये एंगल 90 डिग्री, रूट टू एफ आंसर आ गया. कितना आसान था, बिल्कुल गलत. भाई ये तीसरा चार्ज भी है जो फोर्स लगाएगा, ये देखो ये क्या है, डिस्टेंस रूट टू आर स्क्वायर में, डिस्टेंस रूट टू आर. तो खुद बताओ ये फोर्स कितनी लगाएगा, देखो जरा ध्यान से, फोर्स एफ डैश ये वाला के क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस रूट टू आर हो गया. यहां पर रूट टू आर, जब रूट टू आर डालोगे तो टू आर स्क्वायर आ जाएगा, तो ये तो एफ था, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, एफ बाय टू. तो इसका मतलब ये इसके ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है, एफ बाय टू, एग्जैक्टली एंगल 45 डिग्री पर, राइट. ये 45 डिग्री है क्योंकि ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट भी बीच में ही आएगा. हाँ, अब लगा सकते हो कि एफ एफ एंगल 90 डिग्री, तो क्या बताया था, एफ एफ एंगल 90 डिग्री, तो इसका रिजल्ट क्या आता है, रूट टू एफ. ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आया, रूट टू एफ, जो कि वेक्टर्स ने किया था, और इसकी वजह से जो फोर्स है वो क्या है, एफ बाय टू, दोनों सेम डायरेक्शन में है. तो इसका मतलब नेट फोर्स किसके इक्वल होगी, रूट टू एफ प्लस एफ बाय टू, राइट, रूट टू प्लस वन बाय टू कॉमन, और ये एफ आ गया. एफ की वैल्यू ये डाल देना तो ये आंसर आ गया. ग्रेविटेशन में भी आ जाते हैं ये सारे क्वेश्चन, ग्रेविटेशन में भी यूज हो सकते हैं, ये बात का ध्यान रखना. तो ये रिजल्ट आ गया तुम्हारा, ये बहुत मतलब काफी बार पूछा गया ये क्वेश्चन, तो मैं बताऊंगा इसका नेक्स्ट पार्ट भी. एनीवे, अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हेक्सागन हो तो क्या होगा, हेक्सागन तब क्या होगा, लाइक दिस, ये हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन है स्टूडेंट्स, रेगुलर हेक्सागन, फिर से बताना है इसका रिजल्ट क्या आएगा, बोलो. ठीक है, तो ये क्वेश्चन करने के लिए आपको ये आर है, आर है, आर है, आर है, आर है, आर है, रेगुलर हेक्सागन, ये आपके लिए नेक्स्ट के लिए क्वेश्चन है, नेक्स्ट
टॉपिक में मैं ये बताऊंगा इसका रिजल्ट क्या है. इसको ध्यान से सॉल्व करना है, किस तरह से एंगल निकालने हैं सब कुछ. सो दैट विल बी द क्वेश्चन फॉर द नेक्स्ट हेक्सागन, राइट, नेट फोर्स ऑन दिस. एनीवे चलो अब हम बात करते हैं सिस्टम इक्विलिब्रियम की, राइट. सिस्टम इक्विलिब्रियम, भाई सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ? सिस्टम तो ये पूरा हो गया, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो हो. किस पर? सब पर, जितनी भी बॉडीज हो सब पर नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम, राइट. नाउ इसमें भी तुमने पढ़ा है रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी होता है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी होता है, राइट. अभी फिलहाल तो हम इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ दोनों ही इक्विलिब्रियम में होने चाहिए, रोटेशनल भी एंड ट्रांसलेशन भी. नाउ अब पहला क्वेश्चन देखो, फिर से याद होगा तुम्हें, चार्जेस, दो चार्जेस, इनके बीच में डिस्टेंस r. क्वेश्चन आता है, हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया था कि एक और चार्ज हमने रखना है, राइट, लाइक दिस. इसकी वैल्यू क्या होगी सो दैट दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस चार्ज सो दैट दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम? तो तुम्हें अगर ध्यान हो, इसमें हमने पहले किया था, अगर दोनों चार्जेस बराबर हैं तो हम इसको r/2 पर रखते थे, राइट. ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप है. जब अगर एग्जाम में आता है तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? वेयर टू प्लेस चार्ज क्यू. तो उसका मेथड मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर 1 में समझाया कैसे निकालना है इसको, ठीक है. नाउ सेकंड स्टेप में, पहला स्टेप तो हमने कर लिया, r/2 मैंने बताया, वो लिखना है, ऐसे मत छोड़ देना. वेयर टू प्लेस लिख दिया वहां पर पेपर में, फिर पूछेंगे वेयर टू गिव द मार्क्स, ओके. तो आपने पहला स्टेप वहां से चूज करना है कि कैसे निकालना था. अब अगला स्टेप क्या था? इसकी वैल्यू क्या होगी सो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. अब एक बार बताओ, ये तो बैलेंस है ना, ये हमने कर ही लिया था कि ये कहां रखें सो दैट नेट फोर्स ऑन चार्ज इज जीरो, ये हमने पहले किया था. तो पहले हम ये निकाल लेंगे जिसका आंसर हमने r/2 निकाल लिया था कि x इज इक्वल टू r/2 आ गया, राइट. ये फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा. सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब हर चार्ज पे फोर्स जीरो होनी चाहिए. हर चार्ज पे मतलब इस पर भी, इस पर भी, इस पर तो जीरो है ही. तो कोई भी एक चूज कर लो, चाहे ये कर लो चाहे ये कर लो, कोई भी चूज कर लो कि अगर हमें निकालना हो कि इसके ऊपर नेट फोर्स, तो इस पर निकाल लेते हैं. चलो एक बात बताओ, ये इसके ऊपर फोर्स कहां को लगा रहा है? इधर को, राइट. ये फोर्स इधर को लगा रहा है मान लेते हैं F1. तुम्हें काम करना, ये F1 वेक्टर लिख दूं, चाहे पर मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हो उसको. नाउ तुम खुद सोचो, अगर ये चार्ज पॉजिटिव होगा तो ये इसके ऊपर फोर्स कहां को लगाएगा? अगर ये चार्ज पॉजिटिव हुआ तो हम कहां को लगाएगा ये फोर्स? तो अगर ये चार्ज पॉजिटिव होगा फिर तो ये इधर को ही लगाएगा, तो नेट फोर्स जीरो तो नहीं होगी. तो इसका मतलब सबसे पहली बात तो ये चार्ज नेगेटिव होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट. एनीवे वो अपने आप आ जाएगा, मैं बताता हूँ कैसे करना है. देखो ये फोर्स, ये वाला फोर्स इस पर लगा रहा है, एक F1 लगा रहा है, और ये फोर्स अगर ये नेगेटिव है तो क्या कर लेंगे? F2. एंड F1 का मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल टू F2 का मैग्नीट्यूड. F1 का मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल टू F2 का मैग्नीट्यूड. तो मैं वैल्यू डाल देता हूं, ये वाला चार्ज कितनी फोर्स लगा रहा था? K q² / r², और ये वाला फोर्स कितनी लगाएगा? अट्रैक्टिव फोर्स है, कितनी फोर्स होगी? K q q / r²². स्टूडेंट्स ध्यान रखना, यहां पर कहीं तुम ये सोचो कि मैंने ये माइनस क्यू क्यों नहीं लिखा, जब मैंने मैग्नीट्यूड यूज कर लिया तो मुझे माइनस क्यू लिखने की जरूरत नहीं है. अब क्या करेंगे? के कट गया, के कट गया, क्यू क्यू कट गया, आर स्क्वायर भी इनफेक्ट कट जाएगा, ये 1/4 है इधर चला जाएगा, तो क्यू की वैल्यू क्या आई? q/4. बट मैंने क्या बोला, आंसर क्या आना चाहिए? माइनस होना चाहिए. तुम्हारा आंसर क्या आएगा? व्हाट इज आवर आंसर? आंसर चार्ज की वैल्यू क्या होगी? द आंसर इज -q = -q/4. This is our answer. तो -q/4 हमारा आंसर है. समझ आया सबको? इसका आंसर ये आएगा. तो व्हाट इज, ये आता है 3 marks में आ जाता है, बोर्ड्स में भी आ जाता है, कंपटीशन में भी आ जाता है, कई बार नीट वगैरह में आसान क्वेश्चन दे देते हैं. अब इसी क्वेश्चन में एक थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको करने. इसके स्टेप्स क्या बताए मैंने?
पहला स्टेप क्या है, वेयर टू प्लेस द चार्ज, जो मैंने पहले लेक्चर में बताया था कैसे निकालना है, एक्स आर माइनस एक्स उसको बैलेंस करना। दूसरा स्टेप हमने क्या करा, दूसरा स्टेप ये वाला है, नेट फोर्स, कोई भी एक चार्ज पकड़ो और उस पर नेट फोर्स जीरो कर दो। अब क्वेश्चन ये है, अगर मान लो मैं ये क्यू है, ये क्यू है, मैं इसको फोर क्यू कर दूं, तो क्या करेंगे, पॉज द वीडियो, क्यू एंड फोर क्यू, अब इस क्यू की वैल्यू क्या होगी, पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट अगेन, जल्दी ध्यान से, क्यू एंड फोर क्यू, ओके। अब फिर से पहला स्टेप क्या बताया था, पहला स्टेप वेयर टू प्लेस द चार्ज, उसके लिए मैंने शॉर्टकट भी बताया था वैसे, पर यहां शॉर्टकट मत लगाना, बोर्ड्स में कंपटीशन में लगा सकते हो, क्या होगा, 1:4 इसका रूट करेंगे, याद है ना, ये बताया था, यहां से हमने सॉल्व कर लिया था r/3, ये बन गया 1:2, 1 and 2 3, 1/3 r/3, तो ये r/3 आ गया था, और ये कितना आ गया था, 2 r/3, है ना, ये हमने 2 r/3 निकाल लिया था। अब हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, बस अब हो जाएगा F1 क्या है, ये इसके ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है, तो ये इसके ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है, K Q into 4Q upon R square, और ये इसके ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है, K 4Q upon कितना 2 r/3, इस बार 2 r/3 है, राइट, 2 r/3, नाउ फिर से ये कट जाएगा, Q कट जाएगा, देन यहां ध्यान से देखो ये क्या बन रहा है, वैल्यूज दिख रही है यहां पर, यहां ऊपर भी 4 है, मैं इसको लिख देता हूं दोबारा से, 4q इज इक्वल टू 4q अपॉन 4/9, है ना, स्क्वायर हो जाएगा ना इसका, तो q किसके, 4 तो कट गया, तो q की वैल्यू किसके इक्वल आई, 4/9 q, बट हमारा आंसर किसमें होगा, माइनस में, तो आंसर क्या आएगा, -4/9 q, दैट इज योर आंसर, ठीक है, स्टेप्स ध्यान रखना, यू कैन सॉल्व इट, नहीं समझ आए फिर दोबारा से बैक करके यू कैन अगेन सॉल्व इट। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम करेंगे ट्रायंगल वाला केस, मैं सारे केसेस दोबारा ही रिपीट कर रहा हूं एक तरह से, तो क्या होगा, लेट्स सी, ट्रायंगल क्यू क्यू क्यू, हम पहला क्वेश्चन इसमें आता है कि भाई हम कहां पर रखें चार्ज, फर्स्ट स्टेप क्या था, कहां रखें चार्ज सो दैट उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो हो, नेट फोर्स जीरो हो, कहां रखें, तुम सबको मैं बता दूं, वैसे वेक्टर्स में करते थे प्लस वन में, सेंट्रोइड, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, सब कुछ सेम ही है इसमें, ठीक है, मेडिकल वाले ज्यादा दिमाग पे जोर ना दें, ऑर्थो सेंटर कि ये क्या हो रहा है, तो उसको सेंट्रोइड ले, सेंटर पे रखेंगे, तुम ये समझ लो, अगर हम सेंटर पे चार्ज रखेंगे इस पर नेट फोर्स जीरो क्यों होगी वो भी देख लेते हैं, पर उसके लिए तुम्हें पहले ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ये डिस्टेंस बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको मैं एक बार एक्स ले लेता हूं डिस्टेंस को, ठीक है, फिलहाल एक्स ले लेते हैं, ये तीनों डिस्टेंस बराबर है, राइट, अब इस चार्ज पर ये फोर्स कहां को लगाएगा, नीचे को लगाएगा फोर्स, ये चार्ज कहां को फोर्स लगाएगा, इधर को लगाएगा फोर्स, ये चार्ज कहां को लगाएगा, फोर्स इधर लगाएगा, ठीक है, अगर ये नेगेटिव होगा तो उल्टी होगी फोर्स, बात एक ही है, फिलहाल मैं पॉजिटिव लेके चलता हूं कि नेट फोर्स पॉइंट ढूंढते हैं कहां रखें चार्ज को, अब ये चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो नेट फोर्स जीरो, अब तुमको ये बात पता होनी चाहिए क्योंकि अगेन इक्विलेटरल एंगल है, तो ये एंगल 120 डिग्री बनेगा, ये एफ एफ एंगल 120 डिग्री, ये एफ, तो नेट फोर्स जीरो होगी, पॉज द वीडियो चेक करो नेट फोर्स क्यों जीरो होगी इस चार्ज पे, मैं बता देता हूं यहां फोर्स एफ एफ, फिर से वेक्टर्स के फर्स्ट में मैंने क्या बताया था, एफ एफ और एंगल 120 डिग्री, उसका रिजल्ट क्या आएगा, एफ, और वो भी बीच में, तो एफ और एफ कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब नेट फोर्स ऑन इट विल बी जीरो, तो ये पॉइंट तो हमें पता लग गया कि इसको रखें कहां, तो इसको बीच में रखना चाहिए, पर अब एक पॉइंट हमारा अभी क्या है, एक तो डायग्राम बड़े गंदे बनाता हूं मैं, है ना, ओके, अब ये एक्स, ये एंगल 30 डिग्री, तो मुझे इस एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दिस इज r/2, लाइक दिस, ये r/2 है, ये एक्स है, तो cos 30 डिग्री किसके इक्वल होगा, cos 30 डिग्री इस ट्रायंगल के अंदर,
आर बाय टू डिवाइडेड बाय एक्स, यानी एक्स की वैल्यू कॉस 30 डिग्री मेडिकल वाले रूट थ्री बाय टू, राइट। तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आर बाय रूट थ्री, ठीक है, ये एक्स की वैल्यू आर बाय रूट थ्री हमारे पास आ चुकी है। अब हमारा क्वेश्चन था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस चार्ज सो डेट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। पहला स्टेप क्लियर हो गया, यहां रखना है हमने इसकी वैल्यू क्या है, सो डेट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो पहले इस चार्ज पर, मैंने बोला था कोई भी चार्ज पकड़ो सेकंड स्टेप जिस पर नेट फोर्स जीरो करनी है, तो सपोज इसको ले लेते हैं। अब इन दोनों की वजह से जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, फोर्स हमने निकाली थी रूट थ्री एफ, ध्यान है ना, अभी पीछे ही निकाली थी हमने रूट थ्री एफ, इन की वजह से इसको भूल जाओ अभी। अब ये चार्ज रखूंगा तो ऑब्वियसली ये चार्ज क्या होना चाहिए, पहली बात तो नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स होगी अंदर की तरफ, और ये फोर्स बैलेंस होनी चाहिए। अब हमने एक्स की वैल्यू भी निकाल ली, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स एफ डैश, अगेन एफ डैश वेक्टर का मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल टू व्हाट रूट थ्री एफ, राइट। इसका मैग्नीट्यूड क्या लेंगे हम, के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट थ्री एफ, राइट। रूट थ्री एफ की वैल्यू रूट थ्री एफ इज के q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ये वैल्यू मैंने बताई थी तुम्हें, दो चार्जेस की वजह से जो फोर्स है, याद है ना, ये लिखूं देख के दोस्तों दोबारा तुम बोलोगे फिर से, k q स्क्वायर बाय r स्क्वायर, f की वैल्यू ये है, ये मैं यही यूज करूंगा आगे तक। अब क्या करोगे, q q कैंसिल, k k कैंसिल, ठीक है, q अपॉन x की वैल्यू क्या थी r बाय रूट थ्री, तो ये क्या बन गया आर स्क्वायर बाय थ्री इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू डाल रहा हूं अभी तो मैं इसमें डाली है रूट थ्री क्यू, एक क्यू कट गया था यहां से, अपॉन आर स्क्वायर बाय नाइन, आर स्क्वायर लिख लेते हैं, आर स्क्वायर कट गया, देख रहे हो यहां से ये वन बाय थ्री है, ये वन बाय थ्री जाएगा इधर, क्यू इज इक्वल टू, कई लोग यहां क्या करते हैं थ्री रूट थ्री कर देते हैं गलती, रूट थ्री बाय थ्री इंटू क्यू, ये क्या कर गया रूट थ्री, तो क्यू की वैल्यू क्यू बाय रूट थ्री, पर माइनस आएगा भाई साथ में माइनस, ठीक है, चेक करो ये सभी को पता लग रहा होगा किस तरह से मैंने सॉल्व किया, एक्स की वैल्यू मैंने डाली यहां से आर बाय रूट थ्री, ये इधर चली गई वन बाय थ्री, यहां से माइनस हमने आंसर देना है माइनस क्यू बाय रूट थ्री। तो इस तरह से आपने ये न्यूमेरिकल करने हैं सिस्टम इक्विलिब्रियम का। फिर से हम करते हैं एक और न्यूमेरिकल, अगर स्क्वायर दिया हो देन चार्ज को कहां रखेंगे, वैसे ये थोड़ा आइडिया तो लग ही गया होगा चार्ज को हम रखेगा, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आ गया, इवन लगता है मार्कर ही खत्म हो गया, ज्यादा बढ़ा दिया मुझे लगता है, क्यू 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 फोर्स तो पता ही है तुम्हें, फोर्स इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है। फिर से इस केस में बताना है हमें सिस्टम इक्विलिब्रियम के बारे में, राइट। अब आपको यहां तो साफ ही पता लग रहा होगा कि चार्ज को कहां रखें, ऑब्वियसली बात है मिड पे रख देते हैं चार्ज को, ठीक है, इसमें तो बताने की जरूरत, माइनस होगा चार्ज ये भी पता है, अभी अभी हमने क्या सॉल्व किया था इसकी वैल्यू निकालनी है, इस चार्ज पर जो फोर्स होगी या इस बार इस पे ले लेते हैं, नहीं तो सोचो कि सारे उधर ही ले रहा हूं, ये फोर्स आई थिंक पिछले क्वेश्चन में ही किया सॉल्व, तो मैं नेट फोर्स ही ले लेता हूं ज्यादा बेटर रहेगा, नेट फिर से नेट फोर्स कितनी आई थी एग्जैक्टली रूट टू प्लस वन बाय टू इंटू एफ आई थी, और ये फोर्स हमें फिर से ये नेगेटिव है, ये फोर्स होगी एफ डैश। तो अगर ये वाली फोर्स और ये वाली इसकी वजह से फोर्स बैलेंस हो जाए तो इस पर नेट फोर्स जीरो आएगी, बाकी सब पर भी नेट फोर्स जीरो ही आएगी, डोंट वरी दूसरे से कर लेना चाहिए। तो अब इस केस में क्या होगा रूट टू प्लस वन बाय टू, एफ की वैल्यू क्या है हमारे पास के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब एक बात इंपॉर्टेंट है, ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ये पूरा डिस्टेंस कितना है रूट टू आर पूरा, तो आधा कितना है ये रूट टू आर डिवाइडेड बाय टू, यानी कितना आ गया आर बाय रूट टू, राइट। इसको डिवाइडेड बाय टू करके मेडिकल वाले करके देख लिया करो,
इवन नॉन मेडिकल वाले भी। तो अब इस केस में क्या होगा, एज इक्वल टू के, मैग्नीट्यूड चाहिए ना मुझे, तो क्या होगा के क्यू क्यू अपॉन ये डिस्टेंस कितना है आर बाय रूट टू का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से देखो के कट गया, के कट गया, क्यू क्यू, बहुत मजा आता है ना काटने में, आर स्क्वायर आर स्क्वायर, ये वन बाय रूट टू का स्क्वायर। ठीक है, बना रूट टू प्लस वन बाय टू क्यू इज इक्वल टू क्यू, ये वन बाय रूट टू का स्क्वायर था तो ये वन बाय टू है, ये वन बाय टू है, इसको टू को चाहे ऊपर ले जाओ फिर नीचे ले जाना मजा आएगा। रूट टू प्लस वन बाय टू इन टू क्यू डिवाइडेड बाय टू डिवाइडेड बाय टू, आगे तो सॉल्व कर लेना यार, सारा सॉल्व करवाओगे मेरे से, तो ये आ गया। पर फिर से हमारा आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। हो गया क्लियर। कई बार ये जेई मेन में भी आया था क्वेश्चन, फिर ये सीबीएसई बीएमडी में यानी नीट में भी आया था, कई बार चार्ज को पॉजिटिव ना लेकर नेगेटिव लिख देते हैं, देन ऑल्सो यू कैन सॉल्व। तो ये एक केस आ गया। अब तीसरा क्वेश्चन क्या होगा, हेक्सागन पर कहां रखेंगे, ये तो पता लग गया कहां रखेंगे, सिस्टम इक्विलिब्रियम के लिए चार्ज की वैल्यू क्या होगी, तो वो भी आपने अपने आप कैलकुलेट करना है, अगले में मैं आंसर बताऊंगा उसका। ठीक है, सो जिन स्टूडेंट का आंसर आ जाए वो कमेंट्स में लिख सकते हैं नीचे कि सर हमारा आंसर आ गया, हेक्सागन वाला लिखना, बाकी तो हो जाएंगे आराम से। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट, स्टूडेंट एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो ये दो चार्जेस हैं, ये एंगल थीटा है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये डाउट भी था स्टूडेंट का, पहले मैं बता दूं ये एल थीटा, ये क्या हो गया एल कॉस थीटा, एल एल सॉरी ये एल कॉस थीटा, ये है एल साइन थीटा होगा, ये भी एल साइन थीटा होगा। ठीक है, तो अब इस केस में अगर हम देखें तो हमें बताना ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, फिर से अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स जीरो होगी, तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगी वो इधर लगेगी, क्या फोर्स लगेगी ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, डिस्टेंस हमें पता है हम बाद में डालते हैं वैल्यू, रोप तुम्हें पता है कोई भी रोप है तो टेंशन क्या होगी अवे फ्रॉम द बॉडी लाइक दिस। तीसरी चीज एमजी, योर फेवरेट फोर्स एमजी, स्टूडेंट सब कुछ भूल जाते हैं लेकिन एमजी फोर्स, सर फोर्स एमजी तो जरूर लगेगी। नाउ दिस एंगल थीटा, ये भी थीटा, ऑल्टरनेट एंगल टी कॉस थीटा, दिस इज व्हाट टी साइन थीटा, टी के कंपोनेंट कॉस थीटा साइन थीटा, कंपोनेंट अगेन वेक्टर्स का बेसिक्स बताया उसमें देख सकते हो तुम, तो बैलेंस कर दें क्या होगा, टी साइन थीटा इज इक्वल टू टी साइन थीटा इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स क्या है के क्यू स्क्वायर अपॉन एल कॉस थीटा का एल सॉरी साइन थीटा का होल स्क्वायर लाइक दिस, टी साइन थीटा इज कर लू ये है ना एल साइन थीटा, टू एल साइन थीटा ये, ठीक है दिस इज टू एल साइन थीटा। नाउ टी कॉस थीटा इज इक्वल टू टी कॉस थीटा किसके इक्वल है एम जी के इक्वल है, ये आ गया एम जी, ये मार्केट ज्यादा बढ़िया है ना, तो अब इसको डिवाइड कर देते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू अगेन के को भी लिख लेता हूं वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, काफी दिनों से देखा नहीं इसको, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट को क्यू स्क्वायर अपॉन अगेन फोर एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एम जी राइट। अब इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिखूंगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 16 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर एम जी साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा, बहुत छोटा सा फॉर्मूला इसको याद कर लेना, बहुत ही छोटा लग रहा है। देखो ऐसा है फिजिक्स में, अभी तो हम प्रूव कर रहे हैं, कुछ एक फॉर्मूलाज अगर आप थोड़ा ध्यान रखो ना याद रखो तो फिजिक्स में क्वेश्चन करना आसान हो जाता है, जो स्टूडेंट टॉप करते हैं नीट में जेई मेन में तो वो लोग कुछ एक ऐसे फॉर्मूलाज याद कर लेते हैं जिनको करना भी आसान होगा, तो ये आ गया इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट राइट।
अब इसमें कई बार हो गया, अब तुम्हें पता है फिजिक्स में तो हम सुबोज ही बहुत करते हैं। अगर बोला जाए ये पूरा पानी के अंदर चला जाए तो क्या होगा, अगर ये पूरा अपरेटस पानी के अंदर चला जाए तो इसके ऊपर क्या लगेगी, बॉयंट फोर्स। तो तुमको मैं बता दूं बॉयंट फोर्स में हमने क्या किया था, एम जी इज इक्वल टू, अच्छा एम जी बॉयंट फोर्स वेट बॉडी का क्या है एम जी, मैं इसको कैपिटल एम जी लिख लेता हूं, ठीक है, सो दैट बॉयंट फोर्स के लिए स्मॉल एम जी यूज कर ले हम, कैपिटल एम जी, राइट, यहां भी चेंज कर देता हूं, कैपिटल एम जी, कैपिटल एम जी, नाउ कैपिटल एम जी माइनस स्मॉल एम जी बॉयंट फोर्स के लिए यूज किया मैंने, एम जी कॉमन वन माइनस एम अपॉन एम, राइट, ओके एम जी वन माइनस एम, एम जी इज इक्वल टू वन वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी। ऐसा तब होगा अगर ये बॉडी पूरी तरह से सॉलिड हो और पूरी की पूरी पानी के अंदर इमर्ज हो, तभी हम ये लगाए, पानी या जो भी फ्लूइड में इमर्ज हो तभी हम ये लगा सकते हैं, अदरवाइज केस चेंज हो सकता है। फिलहाल हम सिंपल केस लेके ही चल रहे हैं, तो वन माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉडी, ये आ गया। तो कुछ नहीं करना, जहां जी लिखा है वहां पर ये लिख देना अगर कोई मीडियम आ जाए, पहली बात। दूसरी बात, अगर मान लो तुम पानी में डाल रहे हो तो मीडियम चेंज हो गया तो ये भी तो चेंज होगा ना, तो इसका मतलब क्या होगा, फिर से एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको क्या लेना पड़ेगा, एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रिलेटिव परमिटिविटी बताया था ना, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस ये दो चेंज आएंगे अगर पानी में ले जाए, बाकी सारा सेम है, ठीक है। तो ट्राई दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तुम्हें दिए हुए हैं, बुक में दिए हुए हैं, सो वहां से तुम सॉल्व कर सकते हो। एक दो स्टूडेंट्स ने कुछ एक डाउट भी पूछे थे, तो एक डाउट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि बुक में से था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था आई थिंक, उसमें एनसीईआरटी लिखा हुआ था, आपके पास बुक अवेलेबल होगी होगी। सो थर्सडे को मे बी खुलेगी मार्केट, यू कैन परचेज द बुक, हम आपको बता देंगे बुक का नाम, मैंने बताया ही था वैसे आपको। देखो क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन कप ऑफ वाटर, कप ऑफ वाटर में कितने, ये बताना है तुम्हें, कप ऑफ वाटर व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कप ऑफ वाटर। सो अब क्वेश्चन स्टूडेंट ये है कि एक कप है कितने का, क्या मतलब मास कितना होगा पानी का, तो मास ऑफ वाटर इज 250 ग्राम। ये हम सपोज करते हैं सिस्टम पैरामीटर, अगर मेंशन ना किया हो तो 250 ग्राम आप ले सकते हो, वाटर H2O लाइक दिस। अब वाटर में पहले तो 250 ग्राम जो है इसमें कितने नंबर ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये निकालना पड़ेगा हमें, निकालने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, एक कप वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 250 ग्राम राइट 18 ग्राम, इसका मास 18 है ना, ये तो पता है कैसे आया, इसको टोटल मास इसका 112 हो गया, इसका 18 ग्राम, 18 ग्राम वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 6.023 × 10³³ मॉलिक्यूल्स हैं, 1 ग्राम में 6.023 × 10³³ डिवाइडेड बाय 18, और 250 ग्राम में कितने हैं तो कैलकुलेट कर लोगे आप, 250 ग्राम में कितने हैं, तो ये क्या निकल गया हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, n लिख लेते हैं चाहे इसको एक बार, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल दिए तुमने। अब वाटर में देखो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो दो हाइड्रोजन है तो दो इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 2+8 कितना हुआ, 10 इलेक्ट्रॉन। भाई इलेक्ट्रॉन पूछे चाहे प्रोटॉन बराबर ही होते हैं ना एटम के अंदर, तो अभी फिलहाल इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो 10 इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल में है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने हैं, तो हमारा कितना हो गया 10 × n, ये क्या हो गया 10 × n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, माइनस लगा लेना साथ में, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, यहां से तुम सॉल्व कर सकते हो। समझ आया सबको, तो स्टूडेंट्स ये था किस तरह से हमने न्यूमेरिकल्स किए, ऐसा होता है देखो अभी बेसिक्स कर रहे हैं
तो हो सकता है अभी मैं ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे नहीं, ये वाले न्यूमेरिकल सीबीएसई बोर्ड में तो आ सकते हैं, एचपी बोर्ड में एनसीईआरटी लेवल के न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। तो जिसको लगता है कि नहीं ये बहुत डिफिकल्ट हो रहा है तो वो स्किप कर सकता है खासकर एचपी बोर्ड के लिए, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में ऐसे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। इनको दोबारा रिपीट करें, फिर भी कोई क्वेरी होती है तो आप नीचे मेरे को ईमेल भी कर सकते हैं कि कोई टेक्निकल आपको प्रॉब्लम आती है। देखो लेवल धीरे धीरे करके ही इंक्रीज करेंगे, ये बेसिक लेक्चर्स की क्लास है, नेक्स्ट लेवल पे इसको करने के बाद हम कर सकते हैं। फिलहाल जो आपको बुक मिली है उसके ईच एंड एवरी क्वेश्चन आप सॉल्व करो, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट था जो मैंने पहला क्वेश्चन पूछा कि क्या होता है। तो देखो नॉर्मली उन्होंने ग्लव्स पहने होते हैं, डॉक्टर्स ने सर्जरी कर रहे होते हैं, और एंडोस्कोपी में जो मॉनिटर होता है, पहले जो मॉनिटर था तो वो मॉनिटर में जो प्रोजेक्शन होती थी इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्ड करते थे, जिसकी वजह से वहां उस पर भी चार्ज होगा, मॉनिटर पर चार्ज होगा। मॉनिटर पर जो चार्ज होगा वो क्या करेगा, बैक्टीरिया या डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं उनको अट्रैक्ट कर लेगा। देखो डायग्राम अभी आ रहा है जो आपके सामने, वो अट्रैक्ट करेगा। जब वो फिंगर ऐसे करेगा लाइक दिस, तो जो फिंगर्स है उस पर भी चार्ज आ जाएगा। मान लो स्क्रीन के ऊपर चार्ज अगर तुम्हारे पास पॉजिटिव है तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे इंडक्शन की वजह से, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी समझाया था इंडक्शन, यहां नेगेटिव चार्ज होगा और डस्ट पार्टिकल्स, ये फिंगर पर जो चार्ज होगा वो डस्ट पार्टिकल पर इंड्यूस करेगा चार्ज एंड इट विल अट्रैक्ट द बैक्टीरिया। अब चेक करो डायग्राम जो मैंने बताया दिखाया तुम्हें, उसमें तुम्हें थोड़ा सा शोक भी किया, और वो जो बैक्टीरिया इस पर आ जाएंगे तो उस अगर वो ऑपरेशन करेगा तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है, ठीक है। पर अब तो काफी चेंजेस कर दिए हैं, ये सब पुरानी बातें हो गई हैं। बट एनीवे स्टूडेंट्स पढ़ते रहो, स्टे सेफ, है ना, घर पे ही रहना, अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चंस जो भी डाउट होंगे मैं नेक्स्ट लेवल भी लेके जाऊंगा। काफी स्टूडेंट्स को लगता है आईआईटी एडवांस लेवल तक भी हम पढ़ेंगे, बट अभी पहले बेसिक लेवल अपना स्ट्रॉन्ग कर लो। जो बुक पढ़ो ध्यान से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चंस पूछो, आप कमेंट सेक्शन में भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर इन केस आपको कोई डाउट लगता है, ठीक है। ओके बाय बाय।